हेलो बच्चों, आप लोग को जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 जून सोमवार से फिजिक्स का वीडियो आप लोग के लिए आने लगेगा, तो मैं आप लोग के सामने फर्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं कुछ आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मैं खासतर से मैं चाहता हूँ कि जो गांव में, जो दूर दूर गांव में जो बैठे हैं बच्चे जिनको पढ़ने में असुविधा है और शायद लॉकडाउन के बाद उनकी फाइनेंशियल स्थिति यानी आर्थिक ढंग से जो कमज़ोर हो चुके होंगे, तो शायद ही वो फिर बड़े बड़े शहरों में जाकर फिर से वो अपनी प्रॉपर स्टडी कर सके, और शायद हम लोग भी सबको नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस यूट्यूब चैनल की मदद से मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक भी वो अच्छी शिक्षा पहुँचे जो आर्थिक ढंग से बहुत ही ज़्यादा अभी कमज़ोर हो चुके हैं। अभी अब वो पहले खाने की व्यवस्था करेंगे कि अपने बाल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसे अरेंज करेंगे, ये बड़ा मुश्किल बात है। तो मेरा जो अपना जो ऐसे भी मैं बरसों से मैं कोशिश करता रहा हूँ कि जितने भी खासतर से फाइनेंशियली ढंग से जो कमज़ोर हैं, जो आर्थिक ढंग से जो कमज़ोर है, मैं उनके तक मैं हर एक चीज़ पहुँचाऊँ। खास अपनी जो मुझे अपना याद है, मैं अपने क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चों को बरसों में ऐसे ही पढ़ा देता हूँ और हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब हम लोग तो जो भी कर रहे हैं, अब आपका चांस है, आप अच्छा करो, अपने परिवार को सपोर्ट करो जिससे आपके परिवार भी आपके लिए प्राउड फील करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें, ये वीडियो मेरे थ्रू ये उस बच्चों तक पहुँचे, ये यूट्यूब चैनल के थ्रू उस बच्चों तक पहुँचे जो आर्थिक ढंग से कमज़ोर हैं, और इस लॉकडाउन के चक्कर में तो सभी का इनकम ख़त्म हो चुका है। शायद वो कोई भी हो, शायद वो मतलब मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ही बहुत ख़राब स्थिति हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो शायद मैं उन लोगों तक पहुँच पाऊँगा जो लोग फाइनेंशियली ढंग से कमज़ोर हो चुके हैं, और आपके लिए शायद ये अच्छा होगा। और अब क्या दिक्कत है, आप पढ़ो तो इस पे आपको थोड़े कोई पैसे लग रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकन बेल ज़रूर बजाएं जब भी कोई नया वीडियो आवे। ठीक है, जब भी कोई नया वीडियो आवे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलो आज वादे के मुताबिक मैंने जो आपके लिए कहा था, मैं उसी वादे के मुताबिक आपके लिए मैं शुरू करता हूँ आज इलेक्ट्रिसिटी। तो आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं शुरू करके इलेक्ट्रिसिटी कर रहा हूँ, क्योंकि आप 10th में थोड़ा बहुत इसको जानते होंगे, आपने विद्युत धारा का नाम सुना होगा 10th में, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो आप आसानी से उसको समझ सके। और जब तक कोई चीज़ समझेंगे नहीं ना, आप उसको उसमें मज़ा नहीं आएगा तो आप एक दिन देखोगे दूसरे दिन छोड़ दोगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप एजुकेशन से जुड़े, एक ही रास्ता है पढ़ाई, जिन खासकर जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो उनके लिए एक ही रास्ता है पढ़ाई। जब तक पढ़ेंगे नहीं कुछ होगा नहीं, जिनके पास पैसे हो तो किसी भी शहर में जाके पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो प्लीज़ आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, इस पाठशाला साइंस कोचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आइकन बेल दबाएं। और मैं फिर कहता हूँ आपको कि इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगे। आप जुड़ें, गांव में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और पढ़ाई ऐसे ही करते रहें। चलो मैं अब चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए, जो है आप विद्युत धारा। अब ये चैप्टर जो आपके लिए है विद्युत धारा, आप इसको बचपन में या हर किसी के भी नाम से सुनते होंगे मुंह से कि इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, आपके घर में जब बल्ब जल जाती है तो आप क्या कहते हैं कि करंट आ गया। जब बल्ब बंद हो जाती है तो फिर क्या बोलते हैं कि करंट चली गई। आप तो ऐसा बोलते ही हैं। और आप सोचो कि बिना करंट का आज के दुनिया में कुछ संभव है क्या? ना टेलीविज़न चलेंगे, ना आपके मोबाइल चलेंगे जिस पे आप घंटों बैठ के मोबाइल पे टाइम पास करते हो, या कुछ भी अच्छी चीज़ें करते हो, बुरी चीज़ें जो भी करते हो, क्या वो आपके लिए संभव है? नहीं। ये अगर करंट ना होता तो मैं शूट भी ना कर पाता, इसलिए करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में, हमारे जो है उसमें करंट का एक बहुत बड़ा योगदान है।
तो अब चलो हम उसी को चीज़ें को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप सब चीज़ को हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आप समझें और दूसरे को भी समझाएं। क्लियर। अब आप मेरे पास है, देखो इसमें एक वर्ड है करंट, एक शब्द है करंट, और करंट का करंट मीन्स करंट मतलब प्रवाह। अब ये प्रवाह जिसको आप इंग्लिश में फ्लो कहते हो, अंग्रेजी में आप अंग्रेजी में कहते हो कि अच्छा चलो प्रवाह हो रही है, फ्लो हो रही है, कोई बह रहा है, या आप इसको सिंपल सी भाषा में कह सकते हो बहना। तो कोई चीज बह रही है तो हम उसे करंट कह सकते हैं, आप इतनी बात। अब जैसे मान लो कि जब आप अपने गांव में, जब नदियों में जब बाढ़ आ जाती है, पानी जब भर जाते हैं नदी, अच्छे तरह से पानी उसमें जब आ जाती है, जब देखते होंगे तेज़ रफ्तार में पानी भागती है, और तेज़ रफ्तार में पानी भागती है तो लोग क्या बोलते हैं कि रे पानी में करंट है, इसमें मत जाओ, बह जाओगे। आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि कोई गया उसमें स्नान करने और नदी की धारा के साथ बह गया। धारा मतलब क्या, वही तो करंट है। आप जिसको धारा कह रहे हो इंग्लिश में उसको करंट बोल देते हैं, इसमें एक ग्रीक वर्ड है जिस ग्रीक वर्ड करंट का मतलब है प्रवाह। तो आपके लिए आप सिंपल सी बात है कि करंट मतलब प्रवाह, जो आपके लिए, या बहना जो आप आम भाषा में। देखो फिजिक्स साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है ना, इसको समझने के लिए और इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज यू कैन डील दैट। आप किसी भी भाषा में इसको बोल सकते हो, किसी भी भाषा में इसको समझ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, कि हम समझ रहे हैं वो चीज की नहीं, हम समझना ही साइंस है एक्चुअली। आप इतने बात को समझो कि कोई भी चीजें हो रही है मेरे आसपास, अगर मैं उसे समझ लूं कि ये क्यों हो रही है, दैट इज साइंस। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए आप चिंता मत करो, आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, समझने की कोशिश करो। समझ सकते हो दैट्स ऑल, आप अच्छे टीचर स्टूडेंट हो। अब आप देखो तुम्हारा जो आपको समझा दे सही से वो अच्छा टीचर भी है। अब आप देख तुम्हारे पास कि मैंने क्या लिखा कि करंट मतलब प्रवाह, दैट इज अ फ्लो, और ये करंट देखो प्रवाह आप बहना भी कह सकते हो आम भाषा में। तो चलो, तो अगर मान लो कि मेरे पास अगर पानी का, मैं लिखूं पानी का प्रवाह, अगर मैं ऐसे लिखता हूं पानी का प्रवाह, तो आप सोच के देखो। अब देखो पानी का प्रवाह, पानी का इंग्लिश क्या होगा, वाटर, और ये प्रवाह का इंग्लिश क्या है, फ्लो, या आप इसको क्या कह सकते हो आपके लिए करंट, जिसका आप हिंदी आप क्या कहते हैं, धारा, करंट जिसका हिंदी है धारा, उसका मतलब क्या है, फ्लो, प्रवाह। तो आप देखो पानी का प्रवाह, तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि इसी करंट का ना मतलब प्रवाह है, तो बता हम इस प्रवाह के जगह पर करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख कि हमारे पास क्या है कि इसी करंट का हम दूसरे लैंग्वेज में आम भाषा में प्रवाह बोलते हैं या बहाव बोलते हैं। तो अब आप देखो कि अगर मेरे पास ये प्रवाह है तो इस प्रवाह के जगह पर हम करंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो मैंने क्या, देखो पानी का प्रवाह दैट मीन्स वाटर करंट, हमने इस्तेमाल किया, क्या चीज लिखा, वाटर करंट। आप क्या समझ सकते हो, वाटर का प्रवाह यानी पानी का प्रवाह, जब पानी तेजी से प्रवाह करती है, दौड़ती है, तो मैं उसे क्या कहता हूं कि आपके लिए क्या है, वह करंट है। ठीक उसी तरह अगर मेरे पास कोई आवेश हो, और आपको पता होगा ना आवेश किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के पास। क्या दुनिया में सारी चीज़ें जो बनी हैं वो तो परमाणु से बनी है, आपको पता ही है ये चीज़ें। तो दुनिया में जब सारी चीज़ें परमाणु से बनी है, तो वो परमाणु, तो आप परमाणु किससे बना है, उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। बताओ कि दुनिया क्या बिना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के क्या कल्पना की जा सकती है, क्या कि हमारे कि कुछ दुनिया में जो भी चीज़ें होंगी हर जगह परमाणु है, और परमाणु जो बने हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो सिंपल सी बात है कि हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाते हैं, प्रोटॉन को मिलना मुश्किल होता है। तो बता दें हमारे पास और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर है क्या, तो हमारे लिए चार्ज है। अगर चार्ज, जिसको आप हिंदी में आवेश कहते हो, अगर आवेश ना हो तो विद्युत धारा ना हो, आवेश ना हो तो हम और आप भी ना हो। इतने बात सोच लो, आवेश ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आज के दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है। आज मोबाइल भी चल तो रही है, तो आवेश ही के तो कारण चल रही है। तो आप सिंपल सी इस बात को समझने की कोशिश कर
कि जब पानी का प्रवाह हुआ तो मैंने उसे वाटर करंट किया, ठीक उसी तरह जब मैं क्या कहूं आवेश का प्रवाह, अगर मैं ऐसे लिखता हूं आवेश का प्रवाह तो बता आवेश का इंग्लिश क्या होता है, चार्ज। तो जब बात करेंगे आवेश का प्रवाह तो इसी को हम लोग नाम देते हैं कौन चीज, इलेक्ट्रिक। प्रवाह के जगह पर कौन चीज होगा, करंट। अब देखो एक बात को ध्यान से समझ कि जैसे आप एक ही चीज का दो चार नाम हो सकता है ना, जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो हमारे साइंस में आवेश का एक दूसरा नाम इलेक्ट्रिक भी है। तो अगर मैं आवेश जब लिखता हूं आवेश का प्रवाह, तो आप सिंपल सी देख, मैंने जब लिखा आवेश का प्रवाह तो आवेश के जगह पे तो इंग्लिश में ऐसे तो सिंपल चार्ज बोलते हैं, इसका दूसरा भी तो हो सकता है, तो मैं आवेश को दूसरे वर्ड में लिखता हूं दैट इज द इलेक्ट्रिक। तो बता, तो मैंने लिखा आवेश का प्रवाह तो आपके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो बता अगर मैं सिंपल बात बोलूं कि आप इलेक्ट्रिक करंट कैसे समझोगे, तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, आवेश का एक प्रवाह है। आवेश कहां मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो वही करंट है, जहां पे प्रोटॉन चल रहा होगा वही करंट है, वही विद्युत धारा है, वही इलेक्ट्रिक करंट है मेरे लिए। अब चाहे वो प्रोटॉन चले या इलेक्ट्रॉन चले, देयर इज नो मैटर बिकॉज बोथ हैव चार्ज, सिंपल, दोनों के पास आवेश है और आवेश जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएंगे। तो चाहे वो प्रोटॉन चल जाए या चाहे इलेक्ट्रॉन चला ले, आप जैसे भी चला लो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मान लो कि मैं इसकी बातों को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, तो मेरे पास तो है कि आवेश का प्रवाह इज द इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल हम लोग यहां तक आ गए। तो एक चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, थोड़ा आप इसको लिख लो जो शायद घर पे आपको समझने में आसान होगा, कि बातों को समझ सकते हो या समझा भी सकते हो, पॉज करके लिख लो। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूं, अब देख सिंपल, आप ऐसा सोचो कि मेरे पास, अब एक चीज को ध्यान से देख, एक कॉन्सेप्ट और एक आपके पास डिफिनेशन, जिसको हम भाषा में परिभाषा कहते हो, और कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कारण, किसी चीज का कारण, सबसे पहले कोई भी चीजें स्टार्ट करने से पहले ये दो चीजों में फर्क समझो, कॉन्सेप्ट क्या है और डिफिनेशन क्या है। आप जनरली, मैंने अनुभव किया है इस 14-15 साल के अंदर में, कि जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन रट लो। मैंने अनुभव किया है कि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो ढेर सारे बच्चों से मैंने पूछा बहुत सारी चीजें, तो वो जब भी मैं कुछ पूछता हूं कि करंट का क्या चीज है तो वो डिफिनेशन सुनाने लगते हैं। लेकिन बेटा आप एक बात को जान लो, आप इस बात को दिमाग में डाल लो, डिफिनेशन और आपके पास कॉन्सेप्ट बोथ आर द डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉन्सेप्ट ये मुझे बताता है कि किसी चीज का ओरिजिन क्या है, वो कारण क्या है उसका, तभी मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आवेश का प्रवाह, चाहे वो आवेश प्लस हो या माइनस हो। अब आवेश जहां से बह जाए, जैसे बह जाए, दैट इज करंट, सिंपल। लेकिन मैं कहूं कि करंट का डिफिनेशन क्या है तो ये बातें नहीं होगी, फिर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन द बोथ आर द डिफरेंट थिंग। कॉन्सेप्ट इज द ओरिजिन, आप कह सकते हो कि कोई चीज का ओरिजिन, यानी कोई चीज स्टार्ट जब होती है तो क्यों होती है, वो आपको समझाएगा कौन चीज, कॉन्सेप्ट। कि अगर मैं पूछूं कि अच्छा विद्युत धारा का क्यों होता है, किसका, इसका क्या वजह है, तो मैं कहूंगा कि जब आवेश एक जगह से दूसरे जगह चलती है तो मैं उसे करंट कहता हूं, चाहे वो धारा प्लस में हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, आपके लिए चलेगा। लेकिन जब मैं डिफिनेशन कहता हूं तो अब आप ये बात नहीं बोलेंगे। आप हमेशा, अगर मैं पूछूं तुमसे कि अच्छा चलो कि धारा क्यों बहती है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट आपको कब मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कि चलो कि सर आवेश का जब चलेंगे एक जगह से दूसरे जगह, आवेश जब चलेगी जब, तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा है। लेकिन मैं पूछूं कि अच्छा कितनी विद्युत धारा बह रही है,
मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ठीक है कि कितनी विद्युत धारा बह रही है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करूं तो दो अलग अलग चीज है। अब देख, मेरे पास एक क्वेश्चन था आपके लिए कि क्वेश्चन क्या है, कि एक क्वेश्चन है आपके लिए कि विद्युत धारा क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा कितना है। द टू क्वेश्चन हियर, वी हैव वन द विद्युत धारा क्यों है, एंड अनदर क्वेश्चन वी हैव विद्युत धारा कितना है। बोथ आर द टोटली डिफरेंट थिंग, बट जनरली मैंने अभी तक जो फील किया और बहुत सारे लोगों को भी पढ़ाते देखता हूं, तो वो विद्युत धारा डिफिनेशन लिखा दिया का यही विद्युत धारा हो गया। दे नो, दे डू नॉट नो अबाउट द कॉज ऑफ द करेंट। तो जब कॉज खोजेंगे ना किसी का, आप जैसे मेरे पास है कि विद्युत धारा क्यों है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि विद्युत धारा का कारण पूछ रहा हूं कि वो क्यों है। मैं डिफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, उसका परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं। तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, विद्युत धारा क्यों है, तो मैं इसका आंसर क्या होगा, आवेश का प्रवाह, कि जब आवेश चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो मैं उसको विद्युत धारा कह दूंगा, आवेश चाहे वह प्लस में हो या माइनस में हो। लेकिन जब क्वेश्चन होगा कि विद्युत धारा कितना है, तो कितना मतलब मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, अमाउंट की, उसकी मात्रा की। तो आप बताओ कि बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी सूत्र के, कि बिना किसी गणितीय सूत्र के, बिना किसी गणित के मदद से, क्या आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हो, मान निकाल सकते हो बिना किसी समीकरण के? नहीं। तो जब आप किसी भौतिक राशि, जब भी किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए जब एक सूत्र स्थापित करते हैं, तो उसी को डिफिनेशन कहते हैं। तो डिफिनेशन एक अलग चीज है। मैं कहूं कि अच्छा चलो कि विद्युत धारा कितना है, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो I बराबर क्यू बाई टी। आई ये कौन चीज है, Q बराबर आवेश, और T क्या है आपके पास, समय, और यही कौन है आपके पास, विद्युत धारा। लेकिन क्या ये विद्युत धारा क्यों है ये जानकारी मिलेगी? नहीं, इस फॉर्मूला से ये जानकारी नहीं मिलेगी कि विद्युत धारा क्यों है। इस फॉर्मूला से ये मिलेगी कि विद्युत धारा कितना है, कितना बह रहा है, ये जानकारी मिलेगी, ना कि ये मिलेगी कि विद्युत धारा क्यों है। तो विद्युत धारा क्यों है, तो सबसे बड़ा उसका है आसान क्वेश्चन है कि कौन चीज है, तो विद्युत धारा क्यों है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आवेश का प्रवाह। अच्छा, विद्युत धारा, अब आप बता कि मैंने जब क्वेश्चन कहा कि विद्युत धारा कितना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनेशन, परिभाषा। लेकिन जब मैंने पूछा विद्युत धारा क्यों है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट, यानी जानकारी। आपको जानकारी मिल रही है कि विद्युत धारा की उपस्थिति क्यों है। तो आप जब आप बात करते हैं विद्युत धारा क्यों है, तो आप बात करते हैं आवेश के प्रवाह की, और जब आवेश के प्रवाह की बात करते हैं, तो एक्चुअली वो आपको क्या दे रहा है, कॉन्सेप्ट फील हो रहा है। अब ये जहां भी हम देखेंगे कि प्रवाह हो रहा है, बह रहा है, तो हम कहेंगे दैट इज द करंट। लेकिन हमसे कोई पूछे कि विद्युत धारा कितनी बह रही है, तो मैं किसकी ओर जाऊंगा, डिफिनेशन की ओर, परिभाषा की ओर। और वह परिभाषा मुझे किसके आपके लिए बात करेगा, तो विद्युत धारा बराबर क्यू बाई टी। वैसे परिभाषा ये क्यों आता है, मैं बाद में बात करूंगा। मैंने आपको समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या है और डिफिनेशन क्या है। तो बच्चों, आप लोग से एक आग्रह है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझें। डिफिनेशन तो आपको कोई भी रटा देगा, किताबों से रट लेंगे, लेकिन किताब में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं देता है। इसी के लिए तो टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, तभी तो आप अच्छे सवाल बनाएंगे। जब आप अच्छे सवाल बनाएंगे, तभी तो आप अच्छे स्टूडेंट होंगे। अच्छे स्टूडेंट होंगे तभी तो आप अच्छे कोई कंपटीशन निकालेंगे या बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी हो आप कर पाएंगे, अदरवाइज तो संभव नहीं है। इस बात को आप फील कर रहे हैं ना? तो आप चलो, मैं आशा करूं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनेशन मंत्र समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, देखते फिर आगे क्या होता। आज तो हम लोग की पहली मुलाकात है, पहली क्लास है, देखते कितना अच्छा अच्छा चीज सब फिर आएगा।
फिर शायद मैं आप लोग भी अच्छे स्टूडेंट से अच्छे टीचर की ओर आप बन जाएंगे, आप टेंशन ना लें। लेकिन रेगुलर आप करते रहें, सब्सक्राइब करें जो हम मोटिवेट हूँ, वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी देखें, लाइक करें। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन अब मेरे पास है कि चलो कि मैंने पहले क्या लिखा, कॉन्सेप्ट लिखा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कौन चीज है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश का प्रवाह हमारे पास है। अब क्या आवेश तो मेरे पास कैसे हो सकते हैं, चार्ज आवेश हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा या सुना होगा, अभी भी आप सुनते होंगे, आवेश दो तरह के होते हैं। एक मेरे लिए होगा निगेटिव, एक निगेटिव चार्ज्ड, निगेटिव चार्ज, और दूसरा होगा मेरे पास कौन चीज, पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज इसको आप ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश, आप इसे क्या बोल सकते हैं, धनात्मक आवेश। अब बताओ मुझे कि जब आपने जब भी बचपन से पढ़ा होगा, जो भी किया होगा, तो क्या आपको जो निगेटिव आवेश होता है यानी जहां पे आप ऋणात्मक आवेश कहते हैं, तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और जिस पे धनात्मक आवेश है वो कौन है, प्रोटॉन। तो बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। आप लोग तो ये अच्छी तरह जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, परमाणु में। प्रोटॉन भी कहां पाए जाते हैं, परमाणु में। लेकिन प्रोटॉन रहते कहां हैं, परमाणु के नाभिक में, जिसको निकालना मुश्किल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या उसको निकालना आसान है। तो मुझे आसानी से कौन मिलेगा, आप क्वेश्चन देखो, मुझे आवेश चाहिए, तो आवेश चाहिए तो आपको कौन कौन चाहिए। आवेश तो इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, आवेश प्रोटॉन भी दे सकता है। लेकिन क्या प्रोटॉन कहां पर है, परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर, क्या उसको निकालना आसान है, क्या नहीं, मुश्किल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके चारों तरफ घूमने वाला लोग, तो निकालना किसको आसान है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे मतलब किसकी बात करेंगे, ऋण आवेश की बात करेंगे। आसानी से जो कौन मिलने वाला है मुझे, तो वो मिलेगा कौन चीज, ऋण आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से जो मिलेंगे वो मुझे ऋण आवेश देगा। अब फिर ये क्वेश्चन उठती है कि ये इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश आसानी से कहां पर मिल जाएंगे, कौन ऐसा पदार्थ है, कौन ऐसा मटेरियल है जिसमें आसानी से मुझे इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश मिल जाए। तो आपने पढ़ा होगा कि आपके लिए वो कौन है, चालक, जिसको आप इंग्लिश में कंडक्टर कहते हो। तो आपके पास यानी जहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए यानी आसानी से ऋण आवेश जहां मिल जाए, उसके आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, एक कंडक्टर, एक सेमी कंडक्टर, और तीसरा कौन चीज, नॉन कंडक्टर। तो चलो देखते हैं, फिर आप इसको थोड़ा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब मेरे लिए है कि आसानी से ऋण आवेश यानी कौन चीज, इलेक्ट्रॉन
मिल जाए इस आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। अच्छा बताओ, आसानी से ऋण आवेश मिल जाए यानी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और आवेश जब मिल जाएगा अगर वो चलने लगे, उसको हम अगर चला दे किसी ढंग से, किसी कारण मतलब किसी भी मदद से उसको हम चला दे इलेक्ट्रॉन को तेजी से एक फिक्स डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, मैं अगर मैं उसको चलाने को ले तो विद्युत धारा हो गई। तो आप क्या कह सकते हो कि विद्युत धारा के आधार पर भी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के आधार पर भी पदार्थ को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि मुझे तो आवेश आसानी, देखो आसानी से ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, आवेश या इलेक्ट्रॉन मिल जाए इस आधार पर, हम इस आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला मेरे पास कौन है, चालक, दूसरा मेरे पास क्या है, अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कंडक्टर, और तीसरा हमारे पास है अचालक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। अब तुम लोग खुद सोचो कि आवेश जहां आसानी से मिल जाए, जहां पर आवेश यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में, अगर कोई चीज बंधा हुआ है तो क्या उसको चलाना आसान है, नहीं। तो आसान कब चलाना है, जब वो क्यों कौन अवस्था में हो, एकदम मुक्त हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो, जब मन करे जिधर मन करे उधर जा सके। तो ऐसा कहां होता है, ऐसे मुझे कहां मिलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, वैसे ऋण आवेश कहां मिलेंगे। जहां मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, चालक। जहां ना मिले, अब देखो जहां आसानी पूर्वक मिल जाए ऐसे इलेक्ट्रॉन जो जिधर मन करे वो जा सके, तो मैं उसे चालक कहूंगा। जहां ना मिले ऐसे इलेक्ट्रॉन उसे क्या कहूंगा, अचालक। और जहां मामूली मात्रा में, एकदम मामूली मात्रा में ऐसे इलेक्ट्रॉन मिले उसे मैं क्या कहूंगा, अर्धचालक। तो अब खुद आप तुम लोग सोच के बताओ, विद्युत धारा के लिए क्या चाहिए, आवेश का प्रवाह चाहिए। आवेश तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक आवेश वाले को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, धनात्मक वाले को प्रोटॉन कहते हैं। तो अब थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कर, प्रोटॉन तो रहता है परमाणु के नाभिक में, क्या मैं उसे आसानी से कहीं चल ले जा सकता हूँ, चला सकता हूँ, नहीं। हम इलेक्ट्रॉन को चला फिरा सकते हैं क्योंकि वो परमाणु के नाभिक के बाहर होता है, वो इधर उधर कर सकता है। तो अब बताओ कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए कि प्रोटॉन चाहिए विद्युत धारा के लिए, तो मुझे आसानी पूर्वक कौन मिलने वाला है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेंगे यानी ऋण आवेश आसानी से मिलेंगे, प्रोटॉन तो मिलेंगे नहीं क्योंकि वो नाभिक में रहते हैं। तो आप बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन आसानी से जहां मिल जाए, इलेक्ट्रॉन जहां आसानी से मिल जाए, जो इधर उधर कर सके, जो चल सके, जिधर मन करे उधर जा सके, मैं उसे क्या कहूंगा, चालक। जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से ना मिले उसे मैं क्या कहूंगा, अचालक। और फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, जहां मामूली रूप में मुझे मिले तो उसे मैं क्या कहूंगा, अर्धचालक। तो अब तुम लोग बात बता, विद्युत धारा के लिए कौन मेरे लिए सही होगा, अगर मुझे विद्युत धारा अगर चाहिए तो मुझे कौन पदार्थ लेना पड़ेगा, खुद सोच के देखो, दिमाग काम किया। विद्युत धारा के लिए किस पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश आसानी से मिल जाए, तो वो कौन है, वो है चालक। अब जैसे बात बताओ, पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक पाइप की जरूरत पड़ती है ना कि नहीं पड़ती है, बिना पाइप के क्या दूर तक पानी जा सकता है, नहीं, वो आप तो ऐसे ही फैल के रह जाएगा। तो जिस प्रकार पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पाइप की जरूरत होती है, उसी तरह विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसकी जरूरत,
चालक की, अचालक की या अर्धचालक की, किसकी जरूरत? चालक की, ऑब्वियसली स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि यहां मुझे आसानी से मिल जाएंगे जो मुझे मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। अब बता तो मुझे, मैं क्या कहूंगा? चालक वह है जिसमें आसानी पूर्वक पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो लिखें, पहले आप इसको थोड़ा कर लो, आप परिभाषा लिख लेते हैं चालक का। चालक कौन पदार्थ है? लिख लियो, पॉज करके लिख लो। अब हम बात करते हैं चालक की। वह पदार्थ जिसमें आसानी पूर्वक पर्याप्त मात्रा में कैसे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए कि चलने फिरने वाले, तो चलने फिरने वाले, तो चलने फिरने वाले। अब देखो, वह पदार्थ जिसमें आसानी पूर्वक पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा मतलब बहुत ज्यादा, तो पर्याप्त मात्रा में कैसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त बंधा हुआ नहीं, इसको चलना फिरना है तो चल फिर कौन सकता है जिधर मन करे उधर, जो मुक्त होगा, जो फ्री होगा। तो कौन चीज? वह पदार्थ जिसमें आसानी पूर्वक पर्याप्त मात्रा में कौन चीज मिल जाए? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन कौन लिया? ऋण आवेश, जो मुक्त अवस्था में मुझे मिल जाएगा। तो अब गौर से देख, वह पदार्थ जिसमें आसानी पूर्वक पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिले उसे चालक कहते हैं। सिंपल। तो अब बता तो मुझे इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में कहाँ मिलेगा? किसी चालक के अंदर। तो विद्युत धारा के लिए मुझे कौन पदार्थ की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आवेश का प्रवाह ही ना धारा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के लिए आवेश का प्रवाह चाहिए, और आवेश कौन देगा मुझे? इलेक्ट्रॉन नहीं तो प्रोटोन। प्रोटोन तो इधर उधर कर नहीं सकता क्योंकि वो नाभिक में रहता, इधर उधर करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर सकता, जो मुक्त अवस्था में रहेगा या बंधन की अवस्था में? मुक्त अवस्था में, मुक्त मतलब फ्री, जो इधर उधर घूम सके वो कर सकता है। जो बंधा हुआ है, जो बंधन में है, क्या कर पाएगा? नहीं। तो वो विद्युत धारा के लिए कुछ नहीं करेगा। मुझे चाहिए मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर कर सके। जब वो चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जब ऋण आवेश चलेंगे, तो मुझे मिलेगा विद्युत धारा। और इसके लिए कौन से पदार्थ, उस पदार्थ का नाम क्या है? तो चालक। अब मैं अगर मैं बात करूं अचालक की, तो अब अचालक जिसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर। अब बता इसका मैं क्या डिफिनेशन लिख सकता हूं कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो। अब देख, अचालक क्या है? वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो। तो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, क्या मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो? ऐसा मत सोचना यार, क्योंकि दुनिया सब चीज बनी है परमाणु से, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते ही हैं। मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते, मैंने ऐसा नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन किस अवस्था में है? बंधे हुए हैं। वह इतना बंधा हुआ है कि वो भाग नहीं सकता। वो बंधन इतना मजबूत है वहां पर एक दूसरे में कि वो भाग नहीं सकता। हुआ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो भाग नहीं सकता, वो मुक्त अवस्था में नहीं है। वो किस अवस्था में? बंधन की अवस्था में है। क्लियर? तो अब बता मुझे अचालक किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो। और अब मेरे पास, अब थोड़ा लिख ले इसको, चालक अचालक। अब चल, अब देखते आज हम थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास है, आप लिख भी सकते हैं इसको, अब यह है अर्धचालक।
जिसको आप बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब देखो सेमी कंडक्टर वह पदार्थ जिसमें मामूली रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब गौर से देखो जिसमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो वो मेरे लिए कौन है? वो मेरे लिए चालक है। जिसमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन ना हो वो मेरे लिए क्या है? अचालक है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मामूली रूप से हो उसे मैं क्या कहूंगा? अर्धचालक। तो अब बताओ विद्युत धारा के लिए कौन मेरे लिए अच्छा है? चालक है, अर्धचालक है या चालक है? तो ऑब्वियसली जहां पर आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, जब वो चलेगी तो मुझे विद्युत धारा देगी, तो मुझे आसानी पूर्वक किसमें में मिल जाएगा? चालक में, अर्धचालक में या अचालक में? चालक में। तो मैं बता विद्युत धारा यानी जब भी है मुझे विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह ले जानी है तो मुझे कैसे तार, एक कैसे तार की मैं कल्पना करूंगा, चालक की या अचालक की या अर्धचालक की? तो मैं किसकी बात करूंगा? चालक की। आप अर्धचालक एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज के जमाने में आप मोबाइल जो देखते हैं ये बड़ा कमाल का चीज है, कंप्यूटर देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, ये सब इसी सबसे बना होता है। तो इसके लिए आपके सिलेबस में एक अलग चैप्टर ही है, अंतिम चैप्टर अर्धचालक, हम लोग उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, किस पदार्थ की? तो चालक पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, यानी आसानी से मुझे ऋण आवेश मिल जाएगा, जिसके कारण हम उसको एक जगह से विद्युत धारा को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चलो क्या मैं आशा करूं इस वीडियो से कम विद्युत धारा के बारे में कॉन्सेप्ट को तो समझे होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम परिभाषा की बात करेंगे। मैंने समझाया कॉन्सेप्ट और परिभाषा अलग अलग चीज़ होता है। मैं फिर आप लोग से आग्रह करता हूं, मैं प्रभात झा, आपके जो प्रभात सर हैं जिसको आप इतने लाइक करते हो, मैं 15-16 साल आपके लिए दिया हूं, इस शहर को दिया हूं, मैं फिर आप लोग से आग्रह करता हूं कि इस लॉकडाउन में सभी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, खासकर उन लोगों की जो गाँव घर में रहते हैं और जो डेली काम करते थे और अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ाते थे, तो उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और अब उनको संभव नहीं है कि शहर में आकर एक रूम लेकर टीचर को फी देकर फिर पढ़ाई शुरू करें, शायद इसके लिए फिर एक आध साल लग जाएगा उनको अपनी स्थिति को सुधारने में। तो मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को मदद करें जिसकी ज़रूरत है। इस अभी इस समय में नहीं करेंगे तो किधर कीजिएगा। तो मैं एक टीचर के नाते, एक शिक्षक के नाते, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं उन लोगों को भी जो गांव में बैठकर बेचारे बड़े परेशान हैं और शायद जो आगे बढ़ना चाहते हैं शिक्षा की मदद से, एजुकेशन की मदद से, तो ऐसे बच्चों को मैं चाहता हूँ कि आप घर बैठे इस चीज़ को कर सकें, आप मेरे जैसे टीचर से पढ़ सकें, जो शायद आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ सीखा आज। वो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करें, और फिर मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप ही पूरा देखें वीडियो तब जजमेंट करें कि सही है या गड़बड़, फिर लाइक करें उसको, कमेंट करें और आइकन बेल ज़रूर दबाएं। और फिर मैं कहता हूँ इस चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग पर आप इसको सब्सक्राइब करें, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे। आप फिर आप जैसा मन करे घर बैठे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक इस पाठशाला साइंस कोचिंग को करो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अब विद्युत धारा की परिभाषा की ओर देखेंगे। क्या आप लोग को विद्युत धारा का कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा? अब हम लोग अगले वीडियो में इसके डिफिनेशन, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीखने की, को अभी तो स्टार्ट हुई है, आज तो फर्स्ट डे है।